इमाम अली अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या अली, वो कौन सी आदतें हैं जो इंसान के दिमाग को कमजोर करती हैं? बस जैसे ही ये पूछा गया तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, जो इंसान इन चार आदतों को अपनाता है तो उसका दिमाग कमजोर होता जाता है। पहली आदत कि वो बार बार तेज आवाजें सुनता हो या बार बार जोर जोर से बात करता हो। दूसरी आदत कि वो हर थोड़ी देर के बाद खाना खाता हो। जो इंसान ज्यादा खाना खाता है, चिपचिपी चीजें खाता है, तो उसका दिमाग कमजोर होने लगता है। और तीसरी आदत जिससे दिमाग कमजोर होता है, वो एक जगह बैठे रहना है। जो इंसान जिस्मानी काम नहीं करता, सारा सारा दिन लेटे रहता है, बैठे रहता है, तो यूं उसका दिमाग कमजोर होता जाता है। और चौथी आदत जिससे दिमाग कमजोर होता है, वो सीखने की जुस्तजू को छोड़ना है। याद रखना, जो इंसान सीखने की कोशिश को छोड़ देता है और ये समझने लगता है कि उसे सब कुछ आ गया, तो वहीं से उसका दिमाग कमजोर होने लगता है। और वो ताकत जो अल्लाह ने दिमाग को बख्शी है, उससे वो दिन ब दिन महरूम होने लगता है। ऐ शख्स, अगर अपने दिमाग को तेज बनाना चाहते हो और ये चाहते हो कि तुम्हारे दिमाग की सलाहियतें बेहतर से बेहतरीन होने लगें, तो इन चार आदतों से दूर रहना। अल्लाह तुम्हारे दिमाग को तेज और हर किस्म की कमजोरी से दूर रखेगा।